कुछ दिनों पहले ही शाहरुख खान अपनी मूवी डंकी की शूटिंग के लिए सऊदी अरबिया पहुंचे थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वो मक्का मुकर्रमा पहुंचे और उन्होंने उमरा अदा किया। उमरा के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कुछ लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया और उनकी सराहना की, तो वहीं अन्य लोगों ने उन्हें ट्रॉल किया। अब फिर से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो वैष्णो देवी मंदिर का है। आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वीडियो में शाहरुख खान का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने ओवर साइज हुडी से अपने फेस को कवर किया हुआ है और मास्क भी पहना हुआ है। और आप देख सकते हैं शाहरुख खान के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें पूरी तरह से कवर किया हुआ है। शाहरुख खान को वैष्णो देवी मंदिर में देखकर उनके फैंस काफी क्रेजी हो गए, जबकि उन्हें ये बात भी खटकी कि उन्हें इस तरह मुंह छुपाने की क्या जरूरत थी। वैष्णो देवी मंदिर पहुंचकर माथा टेकने और प्रार्थना करने पर कुछ फैंस ने उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया और तारीफें की, तो कुछ लोगों ने उन्हें ट्रॉल भी किया और कहा कि उमरा करने के बाद वैष्णो देवी मंदिर जाकर प्रार्थना करने का कारण यह है कि जनवरी 2023 में शाहरुख खान की मूवी पठान रिलीज होने वाली है, जिसका बॉयकॉट ना हो पाए इसकी वजह से शाहरुख खान ये सब कर रहे हैं। बता दें कि अभी कल ही पठान का एक गाना रिलीज हुआ। गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट पठान ट्रेंड करने लगा। इन्हीं कारणों की वजह से लोगों का कहना है कि मूवी को बॉयकॉट से बचाने के लिए शाहरुख खान ने यह सब किया। इसी टॉपिक पर बात करते हुए एक यूजर ने लिखा, पठान की रिलीज के पहले शाहरुख खान ने लगाई माँ वैष्णो देवी को अर्जी, एक्टर को देख फैंस हुए खुश। इसी मुद्दे को लेकर अमर उजाला ने लिखा, फिल्म पठान के रिलीज होने से पहले माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे अभिनेता शाहरुख खान। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये सब करके शाहरुख खान अपनी मूवी पठान को बायकॉट होने से बचा सकेंगे? इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।